नमस्कार, मैं रचना शर्मा, चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। दिल्ली एनसीआर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में एक और डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव निकला है। वह ना तो किसी कोरोना मरीज का इलाज कर रहा था और ना ही उसको कोई ट्रेवल हिस्ट्री थी। वह इस दिल्ली के कैंसर इंस्टीट्यूट में काम करता है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और कैंसर के इंस्टीट्यूट को आज के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में केंद्र और राज्य की सरकार से लेकर हर कोई अपना योगदान देने में जुटा हुआ है। ऐसे में राजनीतिक दलों के नेता भी आपसी मतभेद को बुलाकर एक साथ मिलकर कोरोना से लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और राज्य आपदा कोष में 5-5 लाख रुपए दिए हैं। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ना तो विधायक के तौर पर सैलरी लेती हैं और ना ही किसी तरह की कोई पेंशन लेती हैं। इसके बावजूद उन्होंने जो पैसे अपने पास जोड़कर रखे थे उसी में से राहत कोष में दिए हैं। ममता बनर्जी ने खुद ट्वीट कर कहा कि वे अपने सीमित संसाधनों में से ही प्रधानमंत्री राहत कोष और राज्य आपदा राहत कोष में 5-5 लाख रुपए का योगदान दे रही हैं। दुनिया भर में कोरोना का कहर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। दुनिया भर में 8.5 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। वहीं 42,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। अमेरिका में भी कोरोना वायरस की मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां 4076 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। 3 दिन में मौत का यह आंकड़ा दोगुना हो चुका है, जबकि शनिवार को अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2010 थी। दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि निजामुद्दीन के मरकज से अब तक 2361 लोगों को निकाला जा चुका है। इसके लिए 36 घंटे ऑपरेशन चला। इनमें 617 लोग अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, जबकि बाकी सभी लोगों को आइसोलेशन में रखा जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान दिल्ली मेट्रो को भी बंद कर दिया गया है। लेकिन कुछ खास लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए अभी भी दिल्ली मेट्रो चलाई जा रही है। इन लोगों से मेट्रो में सफर करने का किराया भी नहीं लिया जा रहा। मेट्रो स्टेशन में इन लोगों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को घुसने नहीं दिया जा रहा। ये खास लोग दिल्ली पुलिस के जवान हैं। ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस कर्मियों के आने जाने के लिए 5 मेट्रो लाइन पर ट्रेनें चल रही हैं और सभी स्टेशनों पर इन्हें रोका भी जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल यानी बुधवार से अब घर घर में कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव केसों की तलाश की जा रही है। सूबे में 3 कोरोना मरीज मिलने के बाद अब यह बड़ा अभियान शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें अब हर घर में दस्तक देंगी। सीएम जयराम ठाकुर ने समीक्षा बैठक के बाद कहा है कि 1 अप्रैल से राज्य में एक एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों को कोविड-19 के लक्षणों के बारे में जानकारी देंगे। इस अभियान के तहत 2 व्यक्तियों की टीम के साथ आशा कार्यकर्ता प्रत्येक गाँव में घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना से पहली मौत हुई है। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में 25 साल का एक युवक भर्ती था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मरने के बाद आई जांच रिपोर्ट में वह कोरोना पॉजिटिव निकला है। बताया जा रहा है कि यह लड़का बस्ती का रहने वाला है। वहीं बस्ती पुलिस ने लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ इस युवक के संपर्क में आए लोगों को शिनाखत में लिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सबको क्वारंटाइन किया जा सकता है। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन जारी है। इस जानलेवा वायरस का असर चैत्र नवरात्र पर भी दिखाई दे रहा है। साल के पहले नवरात्र के अवसर पर देशों के सभी मंदिर सूने पड़े हैं। बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से सभी मंदिर बंद हैं। कुछ लोग मंदिर के बंद मुख्य द्वार पर ही दर्शन करके लौट नजर आ रहे हैं। नवरात्र के समय में मंदिर का ऐसा नजारा शायद पहली बार ही देखने को मिला है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बुधवार को कोरोना के 18 नए मामले सामने आए। इसमें 16 तो केवल मुंबई में सामने आए हैं, जबकि 2 केस पुणे के हैं। इस बीच मुंबई के सीएसटी रेलवे पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल भी कोरोना से संक्रमित मिला है। इसके बाद हड़कंप मच गया है। रेलवे पुलिस के इस कांस्टेबल को 30 मार्च को हॉस्पिटल में कस्तूरबा में भर्ती कराया गया था, जहां उसका कोरोना टेस्ट किया गया और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है। सबसे अहम बात यह है कि 15 से 27 मार्च तक उसके संपर्क में थाने के 32 पुलिस कर्मचारी आए थे। दिल्ली के निजामुद्दीन में आयोजित तबलीगी मरकज में शामिल पंजाब के सभी 9 लोगों की पहचान कर ली गई है। इनमें से कोई भी अभी पंजाब नहीं पहुंचा था और सभी दिल्ली में ही क्वारंटाइन कर लिए गए हैं। लोगों में शामिल हैं और इनमें 4 लुधियाना और 2 संगरूर, 1 बरनाला और 1 पठानकोट व 1 गुरदासपुर जिले से है। पंजाब के कोरोना कंट्रोल रूम के सदस्य डॉक्टर राजेश भास्कर ने बताया कि सभी लोगों से बात हो गई है, सभी समय दिल्ली में है। इनके पारिवारिक सदस्यों की प्राथमिक जाँच कर ली गई है। किसी ने में भी कोरोना के लक्षण नहीं है। इन्हें पंजाब पहुँचने पर फिर से क्वारंटाइन किया जाएगा। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।